पौधे तो ठीक है, हाँ हाँ जल्दी आ जाएंगे ना। बस बाद में ठीक कर देंगे जी। वैसे भी इधर आ जाओ दीदी, आप इधर आ जाओ, जो बोले आप इधर आओ ना। वैसे फोटो मैं ले लूँ, अरे फोटो भेज देंगे आप आ जाओ फोटो लेने वाले। आज हम बालवन बनियावाला में आए हुए हैं और हमारे साथ उपाध्याय परिवार है, जो कि अपने बेटे रजत उपाध्याय जी अपने बेटे केशव उपाध्याय के नाम पर यहाँ पे एक पौधा लगा रहे हैं, जो कि इन्होंने आम का पौधा लगाया है, बहुत ही सुंदर। और अच्छा, उसके दादा दादी जी यहाँ पर हैं, जो अपने नाती के नाम पर एक पौधा लगा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप प्रकृति प्रेमी हैं और धरती को हरा हरा भरा बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, तो हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप नेक विचारों का। और मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में कुछ दो शब्द बोलें। आप धन्यवाद धात की, सबकी तरफ से मैं धन्यवाद देती हूं धात को। ये जो धात को मैं धन्यवाद देती हूं कि जिन्होंने ये एक हमारे को सुंदर मौका दिया, और हमारा केशव जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता रहे, हमारा केशव उपाध्याय दुनिया में खूब नाम कमाए, और उसके पापा ने जो इतना ये पर्यावरण को वो दिया है सहयोग, एक धात संस्था की तरफ से मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ कि उसने ये प्रकृति को इतना प्रकृति प्रेम करके और ये सहयोग प्रदान किया। और मैं धात के सभी सदस्यों का एक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने हमें ये सुंदर मौका दिया है। धन्यवाद। थैंक यू मैडम।